हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप्स। देखो, डिमांड कर्व क्या टॉपिक है बच्चे? डिमांड कर्व हमारा टॉपिक रिलेट करता है जो लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने डिमांड शेड्यूल बात किए थे ना, जिस टॉपिक के बारे में हम लोगों ने बात की थी, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, ठीक है? उसी की फर्दर एक्सप्लेनेशन है हमारी डिमांड कर्व, ठीक है? और उसकी स्लोप क्या होगी बच्चे, ठीक है? एक बार थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ। डिमांड क्या होती है बच्चे? देखो, डिमांड होती है कि किसी कॉमोडिटी के पर्टिकुलर प्राइस पर कोई कितनी चीजें वस्तुएं खरीदना चाहता है। वो जो इंडिविजुअल बायर होगा या कस्टमर होगा या कोई भी होगा बच्चे, उसकी जो पर्सनल डिमांड होगी, उसकी पर्सनल विश होगी, उसको हम लोग उसकी डिमांड कहते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा कि मैं 1 रुपए में 5 यूनिट खरीदना चाहूंगा, तो अगर प्राइस 1 से बढ़ के 2 हो जाते हैं तो मैं उसकी क्वांटिटी को, डिमांड को कम कर दूंगा, क्योंकि हमारे पास जो रिलेशनशिप है प्राइस का और क्वांटिटी का, वो कैसा है? इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है? आज बात करते हैं हम लोग डिमांड कर्व के बारे में, ठीक है? डिमांड कर्व क्या होती है बच्चे? डिमांड कर्व होती है एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी? डिमांड शेड्यूल की। जो हमारा डिमांड शेड्यूल हम लोगों ने पढ़ा है ना, उसकी एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है। ये शो करता है कि कितनी क्वांटिटी डिमांडेड जो रिलेट करता है उसके प्राइस से, ठीक है? कि कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है, इतने प्राइस पे इतनी डिमांड है, इतने प्राइस पे इतनी डिमांड है, ठीक है? अब हमें इस क्वांटिटी डिमांडेड या जो हमारी डिमांड कर्व है, इसको सीखना है वैसे ही दो सिचुएशन के हिसाब से जो हमने डिमांड शेड्यूल में सीखी थी। वो दो सिचुएशन कौन सी है बच्चे? वो पहली हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व कौन सी होगी बच्चे? देखो, कहता है इट इज द कर्व शोइंग द डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी दैट वन पर्टिकुलर बायर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कॉमोडिटी। कि कोई भी पर्टिकुलर प्राइस पे जो अलग अलग जो बायर होगा वो खरीदना चाहता हो किसी वस्तु को, ठीक है? जैसे हमारे पास डिमांड कर्व है, हमारी यहाँ पर देख लेना प्राइस है हमारे पास, ठीक है? वैसे ही आपकी डिमांड कर्व बनेगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनेगी आपके यहाँ पे, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास एज यूजुअल हमारा मार्केट डिमांड कर्व। अब ये मार्केट डिमांड कर्व कौन सी बच्चे? देखो, आप सभी को पता है यहाँ पर मैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व की एक बार फिर से करूंगा। देखो, इंडिविजुअल डिमांड कर्व बच्चे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व जहाँ पे किसी कॉमोडिटी के पर्टिकुलर प्राइस पे किसी प्रोड्यूसर की डिमांड कितनी है, ठीक है? हम किसी सिंगल इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ बच्चे। यहाँ पे माना किसी एक्स पर्सन की डिमांड इतनी है, 1 यूनिट पे वो दो खरीदता है, एक प्राइस पे 2 यूनिट खरीदता है और दो प्राइस पे वो एक खरीदता है, ठीक है? ऐसे ही अब जब एक्स प्राइस की ये डिमांड है बच्चे, तो वाई की क्या है, जेड की क्या है? क्योंकि मार्केट में सिर्फ इकलौता एक इंडिविजुअल बायर नहीं होता, मार्केट में होते हैं एक साथ बहुत सारे बायर, ठीक है? मार्केट में बहुत सारे बायर होते हैं, ठीक है बच्चे? यहाँ पर देख लेना, कहता है इट इज अ कर्व शोइंग द हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। कहता है ये एक हॉरिजॉन्टल समीशन होता है अलग अलग डिफरेंट इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स का, ठीक है? एग्जाम्पल देख लेना, हमारे पास एक ए डायग्राम है, एक बी डायग्राम है, जहां पर प्राइस है हमारे पास P1 और P2, ठीक है? जब प्राइस थे हमारे P1, ठीक है, डिमांड थी हमारी 2 यूनिट्स की, ठीक है? मैं ए की बात कर रहा हूँ। जब प्राइस P1 से गिर के आ गए P2, तो इंक्रीज होकर डिमांड 2 से 4 होगी। सेम वहां पर P1 पे 3 है, P2 पे हमारे पास वहां पे 6 है, ठीक है? तो दोनों का मिला जुला बच्चे पूरी मार्केट मार्केट में हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं कि सिर्फ दो दो ही कंज्यूमर है यहाँ पे, लेकिन जहां पर दो या दो से ज्यादा कंज्यूमर हो तो उसको हम मार्केट की बात करते हैं। अब देखना, अब जो मार्केट डिमांड कर्व बनेगा, इन दोनों का मिश्रण बनेगा, मिक्सचर बनेगा। अब कहता है जब प्राइस है P1, तो P1 पे दोनों ग्राफ की टोटलिंग कर लेना। P1 पे एक की डिमांड है हमारी कितनी? दो, एक की 3, तो टोटल कितनी? 5। P2 पे जब प्राइस हुए कम, तो डिमांड 5 इंक्रीज होके 4 प्लस 6 कितनी? टोटल 10 हो गई है, ठीक है बच्चे? ये बनता है हमारा मार्केट डिमांड कर्व बनता है, ठीक है बच्चे? अब करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं कि वो डिमांड कर्व, जो डिमांड कर्व होती है हमारी, उसकी स्लोप क्या होती है, ठीक है? अब डिमांड कर्व बच्चे देखो, आप सभी को पता है डिमांड डिमांड कर्व के अंदर जो प्राइस और क्वांटिटी है, उन दोनों का रिलेशनशिप कैसा होता है? उन दोनों का रिलेशनशिप होता है बच्चे इनवर्स, या फिर हम लोग कहना चाहें तो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। क्योंकि अगर एक चीज इंक्रीज करती है, अगर प्राइस इंक्रीज करते हैं तो डिमांड डिक्रीज करती है, और अगर प्राइस डिक्रीज करते हैं तो डिमांड इंक्रीज करती है, ठीक है? कहता है डिमांड कर्व नॉर्मली स्लोप्स डाउनवर्ड,
showing the negative inverse relationship between price and quantity demanded of a commodity. कहता है किसी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में जो इनवर्स रिलेशनशिप होता है वो शो करता है कि डिमांड कर्व कैसी होगी, हमारी स्लोप्स डाउनवर्ड होगी कि लेफ्ट टू राइट आएगी और ऊपर से नीचे आएगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट में बात करता है वो, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज एस्टिमेटेड एज रेशियो बिटवीन चेंज इन प्राइस कॉरस्पॉन्डिंग टू द यूनिट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कहता है जो चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज हुआ एक से दो और क्वांटिटी में दो से एक, जो इन दोनों के बीच की रेशियो होगी ना बच्चे, दोनों के बीच की रेशियो होगी वो हम एस्टिमेट करते हैं अपनी, वहां से डिमांड का एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है बच्चे हमारे पास, माइनस साइन होता है आगे, माइनस साइन चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय चेंज इन डिमांड। ठीक है बच्चे, ये हमारा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व निकालने का एक तरीका होता है। अब देखो चेंज की बात क्यों की है उसने बच्चे, क्योंकि स्लोप में हम लोग यही तो नोटिस करते हैं, जो हमारी स्लोप होगी, जो हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, कि प्राइस जब अगर सब चीजें स्टैटिक रहेंगी चेंज नहीं होंगी तो हम वहां का डिफरेंस या रेशियो कैसे निकाल पाएंगे, हम वहां का डिफरेंस या फिर रेशियो हम लोग बिल्कुल नहीं निकाल सकते बच्चे। ठीक है, इसीलिए वो चेंज की बात करता है। माना कि हमारे पास प्राइस है एक और किसी यूनिट के उस एक प्राइस पर डिमांड है पांच, प्राइस एक से गिर बढ़ बढ़ के हो गए दो, तो डिमांड उसकी दो से पांच से गिर के चार, तो जो चेंज हुआ है उसकी हमें बात करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास देखो आपकी एक डिमांड कर रहे हैं स्लोप डाउनवर्ड, देखो अब प्राइस देखना बच्चे आपके। ठीक है, प्राइस देखना बच्चे आपकी, एक दो तीन चार पांच प्राइस इंक्रीज करते जा रहे हैं और डिमांड गिरती जा रही है। प्राइस मैंने कंप्लीट एक एरो की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश की है यहाँ पे, कि जैसे जैसे आपके प्राइस इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे जो क्वांटिटी डिमांडेड का एरो है वो अंदर की तरफ ओरिजिन की तरफ वो सरकता चला जाएगा, सरकता चला जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे प्राइस, अगर जो एरो अब है इस इन दोनों एरो को अपोजिट कर देना, अगर प्राइस ऊपर से नीचे आएगा, प्राइस डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, प्राइस 10 से गिर के 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे गिरता आएगा, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड की जो एरो होगी वो भी लगातार इंक्रीज करती जाएगी। इंक्रीज करे डिक्रीज करे बच्चे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी जो स्लोप होगी डिमांड कर्व की वो होगी कैसी, वो हमेशा स्लोप्स डाउनवर्ड होगी। ठीक है, ये पूरा टॉपिक था आज के टॉपिक में, सिर्फ इतना छोटा सा ही है बच्चे। ठीक है, आशा करता हूँ आज का टॉपिक आप सभी को पूरा क्लियर हुआ होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बच्चे, जैसे ही मैं कोई नई वीडियो लेके आऊँ आपको उसकी तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हर टॉपिक से अपडेट रहें। ठीक है बच्चे, थैंक फॉर लिसनिंग, हैव अ ग्रेट डे।